मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में नल जल योजना के तहत घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वहीं ग्राम खरगहना में भी नल योजना के तहत लोगों के घरों तक पानी पहुंचा दिया गया है। गांव के दो मोहल्ले में नल जल योजना का पानी लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लोग तालाब का पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं गुर्रा टोला और सड़क मोहल्ले के लोग पीने का पानी के लिए काफी मशक्कत कर रहे हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। नल कनेक्शन से ज्यादातर टोटियां गायब हैं, जिसके कारण सैकड़ों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ में बह जाता है। वहीं खरगहना के दो मोहल्ले के वाशिंदे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। गुर्रा टोला और सड़क मोहल्ले के रहवासी पीएचई विभाग के अधिकारी पर सीएम को गुमराह करने के आरोप लगा रहे हैं। वहीं पीएचई विभाग के अफसर शिवम सिन्हा कैमरे पर खुद स्वीकार भी कर रहे हैं कि खरगहना के दो मोहल्लों में अब तक योजना के तहत लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत खरगहना में जो है 8 से 10 मोहल्ले होते हैं, उसमें दो मोहल्ले ऐसे हैं जहां पे जो है पानी अभी भी उपलब्ध नहीं है। ठेकेदार इंजीनियर के द्वारा हमको जानकारी ये मिली कि उस गोर्राम मोहल्ला एक और दूसरा फड़ मोहल्ला दो, इसको जो है कारो पानी नल जल योजना से ज्वाइंट करना है। एक गाँव में कई टोले होते हैं, तो इस गांव के 5 टोलों को हमने एक टेंडर से कवर किया है, तो उस टेंडर कार्य पूर्ण हो गया, इसलिए उसे पूर्ण कहा गया। और जो 2 टोले बचे हैं उन टोलों में हम कारो पानी है, पास में कारो पानी की जो योजना है उससे हम उस टोले को कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो उससे पास में पड़ता है। दूसरे मोहल्ले में तो चालू है, एक गोर्रा टोला और है, इसके 6 टोले हैं खरगहना में। इसमें 2 टोले में नहीं हुआ है, जो ये मुख्य टोला है ये फड़ मोहल्ला, जहाँ जहाँ 40-45 मतलब हाँ परिवार के लोग रहते हैं, यहाँ पर नहीं है। और एक गोर्रा टोला में नहीं है।